हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर स्मूथनिंग कराने के लिए। मेरा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैंने अपॉइंटमेंट वेंसडे का लिया हुआ था, बट फिर आज मुझे टाइम मिल गया इसलिए मैं चली जा रही हूँ। एंड 4 आवर्स लगेंगे उन्होंने मुझे बोला, इसलिए मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया एंड मैंने बहुत ही कम्फी सा क्लोथ पहन लिया, सो दैट मैं आराम से वहाँ पर 4 आवर्स बैठ के अपना मैं काम करवा सकूं। एंड देन उसके बाद जो सेकंड वॉश होगा वो संडे को होगा, देखते हैं वो कैसे मैं मैनेज करती हूँ। बट अभी के लिए तो चलते हैं पार्लर। यानी मुझे थोड़ी सी सर्दी सी भी लग रही है, इसलिए मैंने हैंकी भी अपना रख लिया है। पानी भी मैंने ले लिया है, प्यास लगेगी, मुझे वहाँ पर मांगना नहीं पड़ेगा। एंड अपना बैग में मैंने अपना ईयरफोन सेंड और सब कुछ डाल लिया है, सो दैट मुझे अगर गाना वाना सुनना तो सुन पाऊँ, बोर ना हो 4 आवर्स। एंड मैं इतनी ज़्यादा स्टुपिड हूँ, मैंने अपना दोनों फ़ोन चार्ज में लगाया, बट लगा के मैंने स्विच ऑन करना ही आई फॉरगॉट डूड, एंड देन चार्ज हुआ नहीं है। बट देखते हैं, आई थिंक सर्वाइव कर जाएगा 4 आवर्स। एंड आई रीच्ड, भैया आ गए, एंड आई एम हियर। मैं आपको ट्रीटमेंट वगैरह भी करना है या खाली आपको नहीं स्मूथनिंग? नहीं नहीं, स्मूथनिंग का बोलना है, यहाँ स्मूथनिंग करेंगे फिर प्रोटेक्ट करेंगे नीचे। आप स्मूथनिंग करके हाँ। एंड गाइज, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी अपना करवाने के लिए स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, तो उस टाइम मेरे 100 फॉलोअर्स होंगे, 100-150 ज़्यादा नहीं थे, तो अराउंड 100 फॉलोअर्स आई हैड। बट दिस टाइम आई हैव 4,000, सो वी आर अ फैमिली ऑफ 4,000 ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वी आर ग्रोइंग सो मच। भैया ये अभी आप क्या लगा रहे हैं मेरे को? ये हमने तो स्ट्रेटनिंग के लिए, बोन्स तोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, सो फर्स्ट दे हैव डन माय हेयर वॉश, शैम्पू इज डन, देन ब्लो ड्राई, एंड नाउ दिस क्रीम टू ब्रेक द बोन्स ऑफ द हेयर। सो नो, आई एम काइंड ऑफ फीलिंग स्लीपी नाउ। मेरा ये डीप बॉन्डिंग क्रीम लग गया है एंड उन भैया ने मुझे प्लास्टिक पहना दिया बिकॉज माई हेयर इज अ बिट ड्राई एंड वो सब ड्राई प्रोडक्ट इसलिए। फ्राइडे हम 12 बजे के बाद आए, 12 बजे के बाद में नमाज जाता हूँ, आ जाऊँ, हाँ आए कर देगा एक, आप तो कभी भी आ जाओ 12, 1, 2। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए एंड मुझे लगा मैं बहुत लेट हो रही हूँ बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही थी, बट अभी मैंने चेक किया ऐप में, भैया भी लुआ में ही हैं, वो काफ़ी दूर हैं एंड अभी उनसे मेरी बात भी हुई, उनको टाइम लगेगा आने में। मैंने अपना दूध भी फिनिश नहीं किया, अपना रिंग भी मैंने नहीं लिया, मैं सब छोड़ के आ जाई हूँ, अपना हेयर भी मैंने कॉम्ब नहीं किया है। मैं जल्दी जल्दी भाग के आई कि मैं लेट हो रही हूँ, बट नाउ ही इज़ गेटिंग लेट एंड यू कैन सी माई हेयर। मैंने स्ट्रेट करवाया था, भैया ने बोला था पार्लर में दैट क्लचर रबर बैंड कुछ नहीं लगाने के लिए, बट ऐसे कैसे जा सकते बिकॉज फिर मेरा हेयर आगे से भी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो बिल्कुल ऐसे छुड़ैल टाइप्स वाइब आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं क्लचर लगा ले रही हूँ। आई होप कुछ हो नहीं हो मेरे बाल को, कल मैं जाके वैसे शैम्पू ले लूँगी, ऑफिस में जाके एक बार हम खोल लेंगे अपने बाल को, सो दैट थोड़ा सही रहे मेरा बाल। चलते हैं ऑफिस एंड आज आई एम वेरी 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 एक्साइटेड बिकॉज हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिलने वाले हैं। हॉलीडे अभी दिसंबर 25 क्रिसमस हॉलीडेज हमें मिलेंगे एंड हमें हमेशा क्रिसमस में गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, सो इस बार भी मिल रहे हैं, कल से मिलना शुरू हो गया है, फ्राइडे तक मिलेगा। आज जाके मैं अपना गिफ्ट हैम्पर भी कलेक्ट करूँगी, आई होप सो मिल जाए। अभी क्या हुआ, हमारे कंपनी का एक कैब आया एंड वो जितनी भी यहाँ भीड़ थी सबको लेके चला गया एंड आई एक्चुअली पैनिक कि कहीं मुझे गलत कैब नंबर तो नहीं मिल गया बिकॉज मेरा ऐप खुल ही नहीं रहा है अभी एंड मेरा मैसेज में दूसरा नंबर आया हुआ है, सो आई वॉज स्कैर्ड कि छूट ना जाए मेरा आज कैब बिकॉज कल फिर वापस आना पड़ जाएगा अगर आज छूट गया तो इसलिए बस एक जन और रह गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका भी कैब नंबर वही है क्या जो मेरा है, एंड ही सेड यस। एंड मैंने उनसे पूछा कि कहाँ हैं, और मैंने भैया को भी वापस कॉल कर लिया कि वो कहाँ हैं बिकॉज ऐप
ओपनिंग। फाइनली द कैब इज हियर। आई एम इन ऑफिस एंड मेरी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगी, सो मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। एंड आज मैंने चाय नहीं पिया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। और मैं जा रही हूँ अपना वाटर बॉटल भरने। हमारा ट्रेनिंग बहुत लेट स्टार्ट हुआ बट कुछ हुआ नहीं बिकॉज फिर उन्होंने हमें ईलम्स करने को बोल दिया। एंड अभी हमारा टाउन हॉल हो रहा है सो मैं नीचे आई हूँ टाउन हॉल अटेंड करने, उसके बाद वापस जाऊँगी और मेरे ईयर 3 के बहुत सारे ईलम्स बचे हैं, मैं उनको कंप्लीट कर दूँगी। राइट नाउ वी जस्ट हैड अ टाउन हॉल एंड इट वाज सो फन। एंड अभी वापस से मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, कुछ ईलम्स करने हैं, उसके बाद 2:30 से वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। सो गाइज दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट, मैं रोज यहाँ पर आके खड़े होकर टहलती रहती हूँ एंड आप सबके कॉमेंट्स का एंड DMs का मैं यहीं से रिप्लाई करती हूँ। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली मैन दिस इज सो क्रेजी, आई केम टुडे इन ऑफिस फॉर हैम्पर एंड हैम्पर ही खत्म हो गया। जब 3:30 गए थे तब दे देना चाहिए था, आप बोल रहे हैम्पर खत्म हो गया। ये कोई बात हुआ, जितने एम्प्लॉयज है उतना तो देना बनता है। शटिंग डाउन माय लैपटॉप एंड आई एम हैविंग माय लंच ओवर हियर एंड आई एम लॉगिंग ऑफ अर्ली टुडे बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग था वो ओवर हो गया। तो मैं जल्दी बाहर निकल जाऊँगी, थोड़ा सा घूम लूँगी, मैंने आज लंच भी नहीं किया सो आई हैव माई लंच एंड आई एम रियली पिस्ड ऑफ। एंड बहुत ही फालतू दिन था आज का हैम्पर्स के लिए, आई वाज सो एक्साइटेड एंड वही नहीं मिला, स्टॉक आउट हो गया। मेल किया है, होप सो मिल जाए, आई डोंट नो मंडे होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। क्रेजी, आई डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग भंडारे के लाइन में खड़े हैं क्या? ख़त्म हो गया, व्हाट नॉनसेंस। कोविड टाइम पे हमारे पास हमारे घर पे आता था हैम्पर एंड यहाँ पे ऑफिस आ रहे हैं फिर भी हैम्पर नहीं है, व्हाट नॉनसेंस। एटलीस्ट एक हैम्पर तो डिजर्व करते हैं, हम लोग कुछ सोच के आए हैं। स्टुपिड, सो स्टुपिड, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद पीपल, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। अभी टाइम हो रहा है 5:40 एंड मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई बिकॉज ट्रेनिंग ओवर हो गया था। सोच रही हूँ बाहर का कुछ खाऊँ, वैसे मेरा टिफ़िन बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, बट मेरा कुछ कुचड़ा पुचड़ा खाने का मन है इसलिए मैं निकली हूँ थोड़ा बाहर ही, अभी टिफ़िन ये रख दूँगी और फिर जाके देखते हैं कुछ कुचड़ा पुचड़ा खाएंगे। वैसे भूख तो नहीं लगा है बट पता नहीं क्यों मन कर रहा है आज, बिकॉज ऐसे तो निकलते नहीं है बाहर, खा नहीं पाते हैं बिकॉज टाइम पे निकलते हैं चले जाते हैं, बट आज जल्दी हो गया है इसलिए आई एम थिंकिंग कि मैं जाऊँ जाके कुछ खा लूँ। सो नाम की भी माई टिफिन एंड आई विल गो ईट समथिंग बिकॉज आई एम अ बिट अपसेट एज वेल बिकॉज वी डिडंट गेट द हैम्पर्स। और मैं सोच रही हूँ मैं वापस से उसी वाले शॉप में जाऊँ जिस दिन पहले मैंने चाट खाया था, टिकिया चाट। वैसे पाव भाजी मुझे वहाँ का उतना कुछ खास नहीं लगा बट टिकिया चाट वॉज नाइस, मैं जाके देख सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। वैसे कुछ का भी है यहाँ पे, क्या पता टेस्टी हो कुछ का, देखते हैं। भैया कुछ का कैसे? आई एम हैविंग कुछ का। सो आई हैड कुछ का पर मज़ा नहीं आया। मेरे घर के पास जो मेरा पुराना स्कूल है उसके पास वाला कुछ का इज़ द बेस्ट। अब मुझे लग रहा मुझे वहीं से खाना चाहिए था बिकॉज इन्होंने इमली बोलते हैं, इमली का पानी का पुचका बनाया और सिला सिला पुचका था, कुछ खास मज़ा ही नहीं आया। कोई नहीं, देखते हैं कुछ और खाते हैं। मैं जाती हूँ चाट वाले के यहाँ पे, बड़ा पाव या चाट कुछ लूँगी, टेस्ट करते हैं। दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग। इस भैया के यहाँ गई थी, इनका टिकिया चाट ही ओवर हो गया, वड़ा पाव था पर पता नहीं क्यों मेरा अचानक से मन नहीं किया वड़ा पाव खाने का। सो मैं आगे जा रही हूँ, देखती हूँ और क्या मिलता है एंड फिर वहाँ पे कुछ टेस्ट करेंगे। बहुत टाइम है मेरे पास तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ आराम से। 15-20 मिनट्स बाद मैं जाऊँगी वापस ऑफिस अपने कैब में बैठने के लिए, चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। और मैं अब पूरे ऑफिस का गोल चक्कर लगा रही हूँ, उधर से मैं निकली हूँ घूमते हुए, मैं वापस ऑफिस जाऊँगी एंड यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट कुछ तो बोलते हैं, दिखाती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा स्टोर है डी कैथलॉन का और उन लोगों ने ही शायद लगवाया है ये। एंड
गाइस सीरियसली मैंने अभी जंक फूड खाना बहुत कम कर लिया है, वरना पहले तो मैं चिप्स तो सबसे ज़्यादा खा रही थी, चिप्स चाउमिन खाती हूँ अभी भी कभी कभी, चलो बाहर निकल गए तो खा लिए चाउमिन, एक बार आई थिंक आया वेट चाउमिन ऐसे नहीं, एंड चिप्स तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, मैगी आई यूज़ टू ईट मैगी मैंने बंद कर दिया, मैंने बहुत कुछ बंद कर दिया है, कचड़ा पुचड़ा खाना, बट कभी कभी मन कर जाता है ना ऐसे घर पर रहते हैं तो शाम को पहले कुछ मंगा लेते थे, अब अपने मन को दबा लेते हैं कि नहीं 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 खाना है बाहर का, बिल्कुल नहीं खाना है, आज थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट है हाँ बस को देखे तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू चीयर माई सेल्फ अप, कुछ खिला पिला के खुद को खुश करूँ, और तो कोई करने वाला अभी तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, है बट यहाँ नहीं है, घूम के इधर से जा रही हूँ एंड दिस इज रिफाइनरी, उस वाले पार्टी वाले ब्लॉग में देखा होगा रिफाइनरी को, ऑफिस के काफ़ी बगल ही है तो उस दिन भी फटाक से आ गए, एंड उस दिन इतना मज़ा आ रहा था, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा ऐसा लग रहा है, मज़ा भी पूरा नहीं हो रहा है, हैम्पर्स में मज़ा नहीं आया, पार्टी में भी मज़ा नहीं आया, खाने में भी आज मज़ा नहीं आया, कुछ का भी अच्छा नहीं बनाया उन्होंने, आई होप अब कुछ अच्छा मिले तो खाऊं तो थोड़ा मज़ा आ जाए, नहीं अभी इतना मज़ा अभी बोला, अभी मैं वापस वीडियो देख रही थी तब मैंने नोटिस किया, माई मॉम शी डजेंट लाइक इट, शी सेज वॉट इज़ मज़ा, वॉट इज़ मज़ा, अच्छा बोलो मज़ा क्या होता है, बट पता नहीं क्यों अच्छा इज़ अच्छा बट मज़ा इज़ मज़ा, मज़ा का मतलब वो जो इमोशंस है ना, वो फीलिंग ही डिफरेंट है, अच्छा का फीलिंग इज़ डिफरेंट, मज़ा तो अच्छा से भी ऊपर है, वो फीलिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, और मैं अब पूरा घूम के वापस ऑफिस पहुँच रही हूँ, पर मुझे रास्ते में कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला, पीछे वाले शॉप में स्टॉल में मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था चाउमिन का, मन किया खाऊं, बट फिर मैंने पूछा, वो नॉनवेज भी बेच रहे थे, फिर उसी कढ़ाई में नॉनवेज उसी में वेज, एंड आज मेरा थर्सडे है सो नो नॉनवेज टुडे, पता नहीं क्या होगा आज, आई होप अब जो बची हुई शाम में रात है वो अच्छी हो जाए, अच्छे से घर पहुँच जाए, घर पर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, थोड़ा मज़ा आ जाए यार, मैं यहाँ आई हूँ वेज चाउमिन खाने, भैया साफ करके बना रहे हैं मेरा वेज चाउमिन, नो उसी कढ़ाई में नॉन वेज भी बनाए हैं, उसी में वेज भी बन रहा है, कपड़ा से साफ तो कर दिया बट कपड़ा से साफ तो नहीं होता है, बट क्या करूँ मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और पहले लाइफ में मैंने दो बार ऐसे खाया है नॉन वेज वाले में, वेज मतलब नॉन वेज नहीं बट नॉन वेज वाले कढ़ाई में जिसमें नॉन वेज बना है, नॉन वेज चाउमिन उसी में साफ करवा के वेज चाउमिन, आप लोग बोलो कि कितना डर्टी है ये, बट क्या करूँ भूख लगता है तो इंसान खा तो सकता है कुछ, अब आप लोग बोलोगे डिफरेंट तो है बट क्या करूँ मन नहीं है वो खाने का, कभी ऐसा खाना तो खा ही सकते हैं मतलब स्ट्रीट फूड, कभी कभी तो चलता है, कभी तो इम्यूनिटी बनी रहेगी, मैंने अपना चाउमिन पैक करा लिया है एंड अब मैं फटक से जा रही हूँ अपने कैब में बैठने के लिए, बाय, एंड आई विल गिव यू फीडबैक इसमें मज़ा आया नहीं आया, मेरा कैब ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, मैंने पूछा एडमिन भैया से, उन्होंने बताया जाके बैठती हूँ अपने कैब में, काफ़ी ट्रैफिक है, मुझे आपसे बातें करके अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, एंड इफ मज़ा आया देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर।